दर्शकों से खचाखच भरा कराची स्टेडियम। 6 बॉल अब भी बाकी थी, लेकिन पाकिस्तानी समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। उनके लिए जीत अब महज वक्त की बात थी। बैटिंग के लिए क्रीज पर तैयार थे राजेश चौहान। बॉल थी सकलेन मुश्ताक के हाथों में। राजेश चौहान स्पिनर तो आला थे, पर बैटिंग में ऐसा कोई कमाल नहीं किया था जिससे भरोसा होता कि वह सकलेन जैसे ऑफ स्पिनर का सामना कर पाएंगे। स्टेडियम में पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे और भारत में टीवी सेट के सामने लोग हाथ जोड़े खड़े थे। भारतीयों को प्रार्थना से ही चमत्कार की उम्मीद थी। यह मैच खेला गया 30 सितंबर 1997 को। भारत की टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। पहला मैच भारतीय टीम हार चुकी थी। दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सईद अनवर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शाहिद अफरीदी ने 72 और इंजमाम उल हक ने 74 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन अचानक स्टेडियम में दर्शकों ने हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ बेकाबू हो गई, पथराव करने लगी। भारतीय टीम को मैदान से बाहर जाना पड़ा। तब तक पाकिस्तान ने 47.2 ओवर में 4 विकेट पर 265 रन बनाए थे। उसकी पारी को यही समाप्त कर दिया गया। कुछ देर बाद मैच दोबारा शुरू हुआ। भारत को 47 ओवर में 266 रन बनाने थे। सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली ने मिलकर 71 रन की बेहतरीन शुरुआत दी। सचिन 21 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद गांगुली 89 और विनोद काम्बली 53 ने 98 रन जोड़े। हालांकि मिडिल ऑर्डर नाकाम रहा। मोहम्मद अजहरुद्दीन केवल 6 और अजय जडेजा 8 रन बना सके। फिर रॉबिन सिंह और सबा करीम ने 62 रनों की साझेदारी कर टीम को जीत के दरवाजे पर पहुंचा दिया। लेकिन यहां मैच में फिर ट्विस्ट आया। सबा करीम को वकार यूनुस ने बोल्ड कर दिया तो ड्रेसिंग रूम में सबकी सांसें अटक गईं। राजेश चौहान को स्ट्राइक लेनी थी। सचिन ने राजेश को समझाया कि वकार की गेंद को ध्यान से खेलना, किसी तरह ओवर निकाल देना। आखिरी ओवर में फिर रॉबिन सिंह संभाल लेंगे। वकार के ओवर की आखिरी बॉल थी और राजेश ने उस पर सिंगल ले लिया। राजेश बताते हैं, उस सिंगल के बाद रॉबिन को लगा कि रन लेकर गलती कर दी। आखिरी ओवर में अब मुझे फिर स्ट्राइक पर रहना था। 8 रन चाहिए थे और पाकिस्तान ने सकलेन को गेंद थमाए। राजेश याद करते हैं, मैंने एक चांस लेने की सोची। गेंद जैसे ही पास आई, मैंने पूरी ताकत लगाकर बैट घुमा दिया। भारतीय टीम को यकीन नहीं हो रहा था और पाकिस्तानी सन थे। गेंद उड़ते हुए स्टैंड में जाकर गिरी 6 रन के लिए। जो पाकिस्तानी दर्शक अभी तक शोर मचा रहे थे, उन्हें मानो सांप सूंघ गया। राजेश चौहान ने अगली गेंद पर सिंगल लिया और फिर रॉबिन सिंह ने विनिंग शॉट लगाकर भारत को विजयी बना दिया।